और हमारा हाल क्या है, हमारे यहाँ हमारी रातें कैसी है। फिर वही बात, फिर वही हालात, फिर वही दुखड़े। अपनी रातें ये है कि रातों को फिल्म देखी। जब तक लोग फिल्म देखते थे तब भी हमारे खतीब रोना रोते थे, लेकिन फिल्मों में इतना तो था कि जो फिल्म दिखाई जाती थी उधर से इतना ही लोग देखते थे। वो भी गुनाह था, गुनाह कबीरा था, वो भी हराम था। लेकिन अब तो इंटरनेट की लानत ने हमारे जवानों को इतनी गंदगी पे ढकेल दिया है कि अब जो वो दिखाएं वो नहीं, जो अपनी मर्जी में आए वो देखें। गंदे से गंदा, गलीज से गलीज, वो फिल्म सबसे ज्यादा सुपर हिट होती है जिसमें सबसे ज्यादा नंगापन दिखाया जाता है। 16-16, 17-17 साल के लड़के जिना के अड्डों पर इसलिए जा रहे हैं कि वो जिस गंदगी को देखते हैं वही वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको शामिल करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एड्स जैसा मर्ज, बदतरीन मर्ज मुसलमानों के अंदर पैदा हो रहा है। किसका क्या जाएगा, गुनाह करने वालों तुम अपनी जान से जाओगे, ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। तुम लड़कियों से ताल्लुक जोड़ रहे हो, नाजायज ताल्लुक, किस उम्र में, 16-16, 17-17 साल की उम्र में जोड़ रहे हो, क्या जाएगा। मेरे रसूल ने 1450 साल पहले फरमाया था जो जिना करेंगे उनके साथ तीन चीजें खुदा करेगा। पहली बात, अल्लाह उसकी रोजी को कम कर देगा, उसको तंग दस्त कर देगा। जहां जाते हैं सब यही कहते हैं, सैयद साहब रोजी के मामले में बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम है, बड़े मसाइल हैं। या मैं ये नहीं कहता हर तंग रोजी वाला जानी है, ये नहीं कहता, लेकिन अभी मैं इसका तज्जी आपके सामने करूंगा। मैं कुछ किसी को नहीं कहता, इसलिए कि ना मैं कोई खतीब हूं ना कोई अहले इल्म हूं, मैं आपका खादिम हूं। चीख पुकार करने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि कुत्ते का काम इतना है, अगर किसी चरवाहे ने कुत्ता पाल रखा है तो वो कुत्ते का काम इतना है, वो भेड़ियों को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, भेड़ियों की रखवाली नहीं कर सकता। वो क्या करता है, जो शेर और भेड़ जो है, शेर और भेड़िये जो है उन भेड़ों को खाने के लिए आते हैं, तो बस उसको अल्लाह ने एक सलाहियत दी है नाक से ज्यादा सूंघने की, तो वो सूंघ करके भौंकता है और उस जो है वो चरवाहे से वफा की वजह से वो भेड़ों को आगाह करता है, उस रास्ते न जा ना तेरी जान चली जाएगी। तो वो भोली भाली भेड़े जो है इतना करती है कि उस अपने चरवाहे के पलतू कुत्ते की आवाज पर वो वहां से भाग करके अपने मालिक की तरफ, अपने चरवाहे की तरफ आ जाती है और उनकी जान बच जाती है। बस यही कुत्ते का काम होता है। कुत्ता बोल नहीं सकता, कुत्ता भेड़ों की जान बचा नहीं सकता, लेकिन कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है। रसूलुल्लाह के टुकड़े खाकर हम भी पल रहे हैं, हमारी नस्लें पल रही है, हमारा घर बार पल रहा है। खुदा की कसम किसी के एहसान किसी पे होंगे, हम पर तो रसूलुल्लाह का एहसान है, और सिर्फ हमारी जानों पर नहीं, हमारी एक एक सांस पर एहसान है, हमारे एक एक बाल पर एहसान है। इज्जतें मिली है उनकी नालायक के सदके, वरना लोग इज्जत के लिए दर दर के भिखारी बन करके घूमते हैं, लेकिन गुलामान मुस्तफा की चौखट पर कमीज बनकर आती है। नालायक मुस्तफा की खैरात है, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की निस्बतों की खैरात है। तो बस वफा का तकाजा ये है, हम किसी को नहीं बचा सकते, हम गुनाह से जब खुद नहीं बच सकते तो किसी को क्या बचा सकते हैं। दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं खुद गुनाह से बच सकता हूं, नहीं, जिसे खुदा का करम बचाता है बस वही गुनाह से बच सकता है, वरना कोई गुनाह से नहीं बच सकता। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मस्जिदों की जीनत बनने वाले शराब खानों पर नजर आए, और अगर मेरा अल्लाह चाहे तो शराब में डूब जाने वाले मस्जिदों की जीनत बन जाए। क्या आपने नहीं देखा बलाम बाऊर को कुत्ता बना दिया गया, जहन्नम का कुत्ता, और बिशरे हाफी को अपने की विलायत का ताजदार बना दिया गया। बिशर की पहली जिंदगी क्या है, जंगल में लूटने वाला फुज़ैल इब्ने अय्याश गरीब नवाज के पीरों का पीर बन गया। आखिर वो कौन सा फैजान है जो फुज़ैल को डकैती के जंगल से निकाल कर मसनद इरशाद पर मुतमक्किन करता है। वो मेरे अल्लाह का करम है, वो मेरे रब की तौफीक है। वो कौन सी ताकत है जो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अफेयर के मामलात से निकालकर इमाम आजम की शागिर्दी का शरफ अता करता है, और इमाम आजम जैसा अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब कहता है कि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा नौमान तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। वो कौन सी
सी ताकत है जो इब्ने मुबारक को ये मंजिल अता करती है? वो कौन सी ताकत है? वो मेरे अल्लाह का फैजान है, मेरे रब का करम है। अब कोई दावा कर सकता है? हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर कहता है, कुरान उसको हिकायतन बयान करता है कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। जब बरात की का वक्त आया ना, जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ की बरात का ऐलान किया कि यूसुफ तो पाक है, हम ही गंदे थे जो उनको लुभाते थे, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने उस वक्त कहा मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। फरमाते नफ्स अम्मारा तो बहुत बुराइयों की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन आगे कैद लगाए इल्ला मा रहिमा रब्बी, सुभान अल्लाह, मगर मेरा रब जिसको बचा ले, अल्लाह जिस पर रहम करे, तो कोई अपनी पारसाई का ऐलान नहीं। और याद रखना, जिन्होंने पारसाई का ऐलान किया वो मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए अपने आप को बहुत पारसा ना समझना। तो हम जब गुनाह से नहीं बच सकते तो आपको क्या बचा सकते हैं? लेकिन वफा का तकाजा है, जैसे वो भेड़ों को उन भेड़ियों से बचाने के लिए कुत्ता भौंकता है मालिक की खुशी के लिए और भेड़े उस भौंक को सुन करके वापस हो जाती है, वैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की भोली भाली उम्मत जो नादानी की वजह से, मुझे यकीन है मुसलमान कभी बेगैरत नहीं हो सकता, मुसलमान कभी जिना के अड्डे पे नहीं जा सकता, नफ्स ले जा रहा है, भोलेपन में जा रहे हैं, नफ्स की मोहब्बत में जा रहे हैं, नफ्स के वरगलाने से जा रहे हैं। अपना काम है भौंकना, आगाह करना, हो सकता है किसी को ये भौंक आगाह करके पलटा दे और वो हुजूर के कदमों में आ जाए। एक भी आ गया हम सब की निजात। ये महफिल इसलिए होती है, इसलिए इस महफिल में अगर नसीहत की जाए तो बुरा नहीं माना करें। और अल्लाह की कसम, हम तो किसी को टारगेट करके कभी बोलते ही नहीं, टारगेट करके बोलने को गीबत तसव्वुर करते हैं, और गीबत हराम है और जिना से बदतर है, इसलिए कभी किसी को टारगेट करके नहीं कहा, बस बात तो जनरल की जाती है, बात तो ऐसी की जाती है, आप बुरा नहीं माने, बस बात इतनी है आया करें तो इस नियत के साथ कि मेरी इस्लाह हो जाए। आज इस्लाह हो गई तो कामयाब है, आज इस्लाह नहीं होगी तो फिर मैदाने मैशर में पछताने से काम नहीं चलेगा। तो 16-16, 17-17 साल के बच्चे जिना के अड्डों पे जाए, 16-16, 17 साल के बच्चे, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां अपना सब कुछ लुटा रही है, अपनी आबरू का सौदा कर रही है। कल जिना करने वाले को पैसे देने पड़ते थे, अब हाल यह है कि बच्चियां भी और बच्चे भी नफ्स के इतने गुलाम बन गए कि वो एक दूसरे को गिफ्ट करके एक दूसरे की आबरू से खिलवाड़ करते। ये हालात हैं, कौम इन हालात में डूबी हुई है, और हमारा हाल ये है कि हम जन्नत तकसीम करने लगे। बड़ी माजरत के साथ, इतना जुल्म न करें इनके साथ, इनको कड़वी दवा पिलाएं ताकि इन्हें शिफा हो। बीमार को मीठी दवाएं नहीं पिलाई जाती, बल्कि जो मीठी होती वो दवा भी कब होती है? जिन्हें दवा की जरूरत है उन्हें हम दवा दें, इसलिए कि ये हम पे एतमाद करके आते हैं, यहां से हम जो देते हैं वो लेने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इनके एतमाद के साथ हम कभी खिलवाड़ न करें, वरना हमें भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, हमें भी रब की बारगाह में जवाब दे होना है। मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहि सलाम मेरे सादिक व मस्दूक नबी, सच्चे नबी ने फरमाया जानी के लिए 3 बातें की जाती, पहली चीज उसकी रोजी से अल्लाह बरकत उठा लेता है, जानी की रोजी से। अब जिना के मुख्तलिफ स्टेप है, पहला स्टेप जिना का यह है कि अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कर दिया है उन मनाजिर को देखना, ये आंखों का जिना है जी। मैं नहीं कहता कौन क्या करता है, हम खुद डूबे अपने आप में, क्या इन आंखों के जिना से हम बचते? कितने लोग हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, चेहरों पे दाढ़ियां हैं, सरों पे टोपियां हैं, कितने लोग हैं जो इस मंजर से बचते हैं, इन मनाजिर से बचते हैं? जानते हैं औलिया अल्लाह ने अपनी आंखें निकाली है, अगर एक गलत मंजर पर नजर पड़ गई, एक गलत मंजर पर आंखें निकाल के फेंक दी, आंखें निकाल के फेंक दी, बहुत दूर चला जाऊंगा अपने उनवान से, लेकिन दूर जाना भी नहीं चाहता, बात को समेटना भी चाहता हूं, लेकिन यहां मुझे एक हदीस याद आ गई,
उसका मफहूम अपने अल्फाज में पेश करके अपने जवानों को उनकी जवानी का वास्ता देकर कहना चाहता हूँ, देखो निगाहों की हिफाजत कितनी ज़रूरी है और मोमिन की निगाह की हिफाजत तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं आंखों से हमें अल्लाह का दीदार करना है। जन्नत में अल्लाह का दीदार करना इन आंखों से, कब्र में रसूल पाक का दीदार करना है इन आंखों से। ये आंखें बहुत कीमती है, इन आंखों की अजमत हमें पता नहीं है, इन आंखों की अजमत उनसे पूछो, इन आंखों की अजमत उनसे पूछो जिनको मुस्तफा जान रहमत का सही इश्क मिल गया था। आज निगाहों के जिना में इल्ला माशाल्लाह उम्मत की अक्सरियत डूबी हुई है और हम एहसास भी नहीं है। कुदरत ने एहसास दिलाने के लिए रोजी तंग कर दी कि अब तो तुम्हें होश आए, इसलिए कि जब तुम्हारी रोजी तंग होगी तो तुम्हें होश आएगा, होश के ना खुलने के तुम तौबा कर लोगे। लेकिन तंगी रिस्क का मामला हम कहां जोड़ते हैं? अरे अभी तो दुनिया में मंदी चल रही है, फुला की हुकूमत आ गई तो तंगी आ गई। मोमिन के रिस्क की तंगी से किसी की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि मोमिन का ईमान है, हुकूमतें रिस्क नहीं देती, रज़्ज़ाक रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क देता है। ये क्या भीख मांगने वाले तुम्हें रोजी देंगे, जिनकी फ्रीज और जिनके घर के किचन रूम एक से एक नेमतों से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं खाते क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। जो खुद अपनी कमाई नहीं खा सकते वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? खिलाने वाला मेरा खुदा है, आहार और जब्बार है, और फिर कितना खिलाता है, पैदा होने के बाद ही नहीं, पैदा होने से पहले जिसने माँ के पेट में खिलाया वो पैदा होने के बाद नहीं खिला सकता। और हमारा तो ईमान है, मेरा अल्लाह तो हमें कब्र में भी खिलाता है, खिलाए अगर वो रोजी देना चाहे तो वो कब्र में भी रोजी देता है। कुछ तो ऐसे जो मिट्टी में मिल करके खत्म हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे कि जिनके जिस्म भी सलामत है, कुछ तो ऐसे कि जो तिलावत भी करते। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस उठा कर देखे, एक शख्स ने एक कब्र का निशान मिट गया था, गलती से खैमा लगा लिया, रात हो गई तो उस कब्र से सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आई। ये वाकया के बयान किया गया तो बताया गया कि वो सूरे मुल्क की तिलावत का आदि था, तो वो कब्र में भी उसकी तिलावत करता। सुभान अल्लाह, ये शान है अल्लाह वालों की।